शिवपुरी में रघुवंश कुमार सिंह के द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ, जुआ सट्टा, अवैध हथियार, अवैध खनन, परिवहन, अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के तहत जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए गए। उक्त तो निर्देश के पालन में पुलिस अधीक्षक संजीव मुले के निर्देशन एवं करेरा SDOP शिवनारायण मुकाती के मार्गदर्शन में आज दिनांक 11/2/2024 की शाम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा करेरा में जेल के सामने अवैध शराब बनाने का कारखाना एवं तमाम बारदाना भरा हुआ है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु फोर्स को ले जाकर मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर दबिश दी गई तो जेल के सामने शंकर यादव के मकान पर पीछे की तरफ पहुंचे तो 8 व्यक्ति एक कमरे में अवैध रूप से ओपी शराब से देसी मदिरा प्लेन शराब के क्वार्टर बना रहे थे। कुछ लोग क्वार्टर में शराब भर रहे थे तथा कुछ लोग शराब के क्वार्टरों को सील चिपका कर कागज के कार्टूनों में पैक कर रहे थे। अमराही बल ने दबिश देकर व्यक्तियों को पकड़ा तथा एक व्यक्ति मौके से भाग निकला। आज मुकुल द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जेल के सामने शंकर यादव का मकान है, उसमें पंकज लोधी है, उसका गोदाम किराए पर लिए हुए है, उसमें अवैध रूप से भारी मात्रा में अवैध शराब के रखीला भरा हुआ है। उस सूचना पर से दबिश दी गई तो 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक खनियादा नाका है, 5 आरोपी मैगांव थाना क्षेत्र के हैं जो जिला भिंड में लगता है। वहां से काफी मात्रा में बारदाना पकड़ा गया, 25 पेटी देसी शराब की पकड़ी गई थी तथा 150 लीटर ओपी शराब पकड़ी गई थी। उसके बाद जब पूछताछ की तो उसने बताया कि मुहार में जो भौती का हाल लगता है उसमें शराब की फैक्ट्री लगी हुई है, वहां से हम निर्माण कर रहे हैं तथा लोगों को जगह जगह जाकर बिक्री कर रहे हैं। उस सूचना के आधार पर वहां दबिश दी गई तो करीब 450 लीटर ओपी शराब पकड़ी गई है और काफी मात्रा में बारदाना पकड़ा गया है और आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। वहां से ये कुल कीमत इसकी कितनी आगे जा रही है? करीब 1 करोड़ से ऊपर इसकी कीमत है। इसमें कुछ स्टिकर भी मिले हैं जो कि सरकारी तौर पर उपयोग किया है, जो हाथ से बनाते हैं, मशीन मिली हुई है और काफी बारदाना मिला, रैपर भी मिले हैं और हू नकल बिल्कुल वैसी बनाई जाती है जैसे देसी शराब गवर्नमेंट जो बनवा रही है। कितने इसके स्टिकर पर जो नंबर पाया गया है वो धार जिले का बताया जा रहा है, उसकी भी तस्दीक अपन की जा रहे हैं, कर रहे हैं। बारकोड उसमें लिखा हुआ है धार जिले का नंबर है, उसके संबंध में विवेचना की जा रही है और कार्रवाई अभी चल रही है। कितने टोटल कितने आरोपी गिरफ्तार? 7 आरोपी गिरफ्तार हुए अभी तक। कितने महीने से वर्ष चला रहे थे? जे करीब 5 माह से चला रहे हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।